नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उपमुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली शक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानों कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी, तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उनपे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही, ये आरोप है बीजेपी। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मनीष सिसोदिया on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर FIR दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके यह चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, चीन, पाकिस्तान, इनसे कैसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कैसे निपटना है, उस पर हमारी एजेंसियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी? क्या हमारी एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना इसी भी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं? क्या यह संभव है? अगर संभव है
तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। मैंने कल अपनी प्रेस वार्ता में आपको बिंदुवार तरीके से बताया था कि जो कथातथित शराब पॉलिसी शराब नीति को लेकर बीजेपी वाले आरोप हम पर लगाते हैं, उस केस में एजेंसियों के पास ईबीआई ईडी के पास ना मेरिट्स हैं, ना सबूत हैं, ना गवाह हैं, ना सवाल है मनीष सिसोदिया से पूछने के लिए। वही चार सवाल रोजाना बदल बदल के पूछते हैं। कोई केस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालो, जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखो कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अपनी जांच एजेंसियों का ध्यान आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया से हटाकर उन लोगों पर डालिए जो लोग आपके नाम का इस्तेमाल कर भारत की एजेंसियों का, भारत के सुरक्षा विभाग का, पुलिस का, सबका मिसयूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता किरण भाई पटेल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए पिछले 6 महीने से कश्मीर में रह रहे हैं। उन्हें कश्मीर की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी हुई है, दो दो जैमर, चार चार बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, 50 गनमैन लेकर वो चलते हैं, 5 सितारा होटल में वो रह रहे थे, सुरक्षा विभाग की मीटिंग्स बुला रहे थे, आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर करा रहे थे, और पिछले 6 महीने से मौज मस्ती कर रहे थे कश्मीर में सरकारी पैसे पे, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। क्या काबिलियत थी उनकी एक करने की? एक ही काबिलियत थी कि वो गुजरात इकाई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर जांच करनी है तो ऐसी जासूसी की जांच करिए। ऐसा शख्स जिसने हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्रव्यूह को भेद दिया, उसकी जांच नहीं करती बीजेपी, क्योंकि वो गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर झूठे मुकदमे करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया 8 साल से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जासूसी कर रहे थे। अगर जासूसी कर रहे थे तो हमारी जांच एजेंसियां पिछले 8 साल से आंखें बंद कर कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई केस नहीं है, विश्वसनीय आरोप भी नहीं है, विश्वसनीय केस तो छोड़ दीजिए, बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए, मनीष सिसोदिया जेल में ही बंद रहे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी द्वारा दिल्ली विधानसभा में लाया जा रहा नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा 70 विधायकों की विधानसभा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 कम से कम चाहिए होते हैं, बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा। जिसके 70 में से 36 विधायक होते हैं उसकी सरकार होती है। आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक हैं, 62, और बीजेपी के मात्र 8 विधायक हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली वालों के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ एक प्रचंड बहुमत है दिल्ली विधानसभा में, 70 में से 62, यानी कि लगभग 90% मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के साथ है, और सदन की 10% सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन उन आठ सीटों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर केजरीवाल सरकार गिराना चाहती है। केजरीवाल सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गिराना चाहती है। सरकार गिराने के लिए आपको विधायक चाहिए,